हमारे ये अंदर जो घुसते जा रहे हैं अंदर उनको जो बड़ा बड़ा वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू साहब। हाफिज़ पेट प्रेम नगर पहली नंबर गली हमीदिया मस्जिद के बाजू हमारे पड़ोस में बहुत बड़ा हादसा हो गया साहब। इतना बड़ा हादसा हम आज तक देखे नहीं सके। क्यों, वजह क्या है? आपस के दोनों के भाइयों के बीच में 300 गज़ ज़मीन का जो लफड़ा है ऑलरेडी 9 से 9:30 10 बजे तक जो गनेटा वगैरह डाल के घर पर ऊपर से वो बड़े बड़े धारकारी पहलवानों को लेके आकर जिस तरीके से जिस अंदाज में करे हैं लोग देखते रह गए सर। हम पड़ोस में हैं, देखने के बाद ये बात में हमको ये हुआ कि भाई एक गरीब को एक मजलूम को जिस तरीके से ज़िंदगी है, किसी की जान बचाना है, किसी की जान लेने का नहीं है, तो इस तरीके से लेडीज़ को इतना मारे हैं ऑलरेडी। क्या है, वो लेडीज़ को भी देखे हम, देखने के बाद बचाव वो कर रहे हैं, हमारे घर में लगे हैं आपस में, लग जाने के बाद उनको उनकी मुश्किल है, उनके शौहर को भी दुनिया का मारे हैं और उनके गनेटा फतरे फ्रिज वाशिंग मशीन हर चीज़ डाल दिया बाहर। इस तरीके से है गृणा हरकत करे हैं जो है, जिस तरीके से करना है आप देखिए, आपको भी नज़र आ रहा है हर चीज़ का। क्यों, तो ज़मीन का जो आपसी मामला है तो वो बात अलग है, सिविल कोर्ट को पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस वाले भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसी बात पर अनजान मार दे रहे हैं। आप आपकी जगह रहो, उनको आपकी जगह रहो भरे, तो इसका मामला अंदाजा समझ लीजिए कि ये मामला क्या हो रहा है समझे। ये गरीब के ऊपर अत्याचार है, गरीब के ऊपर ना फैसले कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से बेचारे गरीब है, उन्होंने बेकरी का काम करते हैं और बाजू वाले जो पड़ोसी उनके भाई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने करोड़पतियों के हिसाब में है, तो इसी तरीके से क्या है मालूम है, एक भाई से भाई को जुदा करके लड़ी से झगड़ा आपस की ज़मीन का जो मामला है आप देखने के जिस तरीके से देख सकते हैं आप पूरा मकानियत उनको रात में ले जाके हमारे घर में क़याम कर लगा दिया, हम खाने के खाना से खाना और सालन फेंक दिया रोड पे, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाइए। उनके घर में 50,000 रुपये भी थे, फ़ोन था, सब निकाल लिए, 15-20 आदमियाँ आए उसके ऊपर हरकत करें, जो चीज़ का बड़े बड़े गन्ने डाले दो। मैं भी इसकी मीडिया के ऊपर भी बता रहा हूँ कि भाई मैं भी उसके ऊपर लिया हूँ, मीडिया को भी मैं फॉरवर्ड करूँगा, कमिश्नर साहब से बात करूँगा मैं इस तरीके से, मैं भी जाऊँगा बराबर, जो हक है हक दिला के रहूँगा, चाहे अपनी जान क्यों न चले जाए। सर कंप्लेन बराबर कर दिए हैं, पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, इसके बारे में अनजान मार दे रही है। क्यों, वजह यही है कि अब हम इसके बारे में बोलेंगे कि अब जो भी जाएंगे हम जिस तरीके से भी जाएंगे बेचारे को हक दिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हुकूमत से है मैम, उसको इंसाफ चाहिए हमारे को। क्यों बोलता हूँ, गरीब आदमी है, उन्हें भी ज़िंदगी जीने के लिए रहने घर में रहने के लिए सहारा है, और गवर्नमेंट खुद 2 BHP का मकान दे रही है, तो ये तो आपस में इसका जो मसला है हल देखिए, हक देना है तो हक तो दिलाना लाजिम है। क्यों, तो गरीब कब किधर जाएंगा? क्यों, वजह इसकी वजह यही है कि भैया हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है, वजह यही है कि मासूम बच्चे देखो, मासूम बच्चों को भीख रात मर खाना भी नहीं खाए, बिठाए कोई सहारा नहीं दिए। जैसे हुकूमत से जी मियांपुर पीएस में आए थे, 100 को डायल को फ़ोन भी किए, आए खाली देख लेके चले गए। इसी वजह से क्या हो गया मालूम है कि भाई इतना बड़ा हादसा हुआ, अभी तक किसी को मामला नहीं मालूम हुआ। क्यों नहीं मालूम हुआ कि भाई गरीब आदमी है, बल्कि यही पैसे वाले रहते, करोड़पति रहते, तो ज़मीन का मामला रहता तो नफा का मामला रहता तो पौरी सब हमारे एरिया के लीडर भी आ जाते थे, हमारे एरिया के MLA MPR भी आ जाते थे, सब आ जाते थे। अब क्यों नहीं आने की वजह यही है कि गरीब है आदमी, उसको फ़ायदा नफा नहीं है ना, उससे फ़ायदा नहीं है, वजह यही है। सैयद अफजल, क्या हुआ? ये मैं 150 गज ज़मीन ख़रीदा था, उसकी 150 है, दोनों को मिला के 300 जुमला। 10 साल से कोर्ट में केस चल रहा था, यहाँ पर था आलवन के पास, वहाँ से प्रसाद नगर चलेगा, वहाँ से डिविट होगा, उसका आधा मेरा आधा होगा। होने के बाद जो है बीच में मैं पार्टी को ला के दीवार उठा के बेचूँगा बोले तो मेरे को ये हरकत कर रहा, गनेटा उठा के डाल रहा है, वो वीडियो ले रहा है, कभी दामाद को बुला रहा है, इसके 3-4 बातें है, और मैं नहीं रह सो टाइम में इसको मारा, इसके भी फ़ोटो है, सिर को मार लगे सो फोटो है, और वो ईंटा पे गिरा खुद और खुद का सिर फूट गया, उसको भी लगे मेरे को भी लगे इनको मारे, मेरे को मारे नीचे घिसेट कर वहाँ तक खींचे। 8:30 को गए तो पुलिस कैरी नहीं करी, इंटरेस्ट नहीं ले पुलिस, कंप्लेंट लिए ना कुछ कैरिश नहीं कर दिए, सब दिए उन्होंने भी थे ना साथ में।
सब थे। मेरा नाम मेहराज बेगम। हाँ, हमारे घर वाले ऐसी हालत में रहते हमेशा इन। हाँ, उनको क्या समय की मारम पीटी करते रहता। कहा भाई, जब दरवाजों को लाता मारा वो मारा, उससे पहले भी वैसे तोड़ दिया। हाँ चलो जान दो भाई, देवर है नहीं बोलना बोल के हम अच्छे बढ़ते गए। कहा भाई, जब ऐसे पीना धूम करना ये करना मारम पीटी, उससे पहले भी दरवाजे तोड़ा, हम खामोश बैठे। अभी भी क्या समय की पूरा सामान आया वो निकाल के फेंका। हाँ अब क्या बोलना बोलो। अब कौन उन लोग थे? लोग अच्छे 8-15 जने थे। मार रहे मार मार्केड़े को मार बोल के हमारे शोहर को मार रहे। इनकी ज़ाइफ़ी हालत को देख के मारते हैं। जमीन के लिए हमारी हमारे को 150 गज हो जाना भाई। कोर्ट का फैसला हाँ कोर्ट में हो गया, आधा हो गया कोर्ट में। मारने की वजह बोले तो मैं नहर खत्म टाइम पे लड़ाई निकालते रहते वो।